वेलकम टू गीतू डिवाइन टच चैनल। ये रीडिंग हो रहा है वर्गो राशि के लिए। आपका नवंबर 2020 मंथ कैसे जाने वाला है। सो वर्गो राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके करियर के लिए कि जो भी पास्ट में आपने मेहनत की थी आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में आपको मन चाहा प्रोफेशन मिलने वाला है, मन चाहा जॉब मिलने वाला है और आपके बिजनेस में भी जस्टिस कार्ड आया है। पास में आपने जितनी मेहनत की है उसका आपको फल मिल रहा है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है और आपका मनपसंद जॉब आपको मिलने वाला है। सो नवंबर मंथ स्टार्स पॉजिटिव हैं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक रेमेडी। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है वर्गो राशि को तो आपको ग्रीन कलर की बॉटल यूज करना है पानी पीने के लिए, आपकी जॉब मिलने के लिए। और आपको बेसिकली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना है। आप क्लासेस ज्वाइन करें, एक गुरु का प्रेजेंस आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड मे बी आप कोई लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, मे बी आपके कम्युनिकेशन स्किल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो एक गुरु होना आपके लाइफ में बहुत जरूरी है, उससे आपका करियर और पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको मेंटेन करने के लिए आप तुलसी को पानी जरूर दें और ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स, ग्रीन एवेंचुरीन आप आपके घर के नॉर्थ कॉर्नर में जरूर रखें, जिससे आपके पास और प्रॉस्पेरिटी आएगी। एक कुबेर भगवान का आइडोल भी आप आपके घर के नॉर्थ में या आपके ऑफिस के नॉर्थ में जरूर रखें, उससे भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। फाइनेंस जो है यहाँ पर दिखाता है आपका चेंज होने वाला है, आपको पैसे से रिलेटेड हेल्प मिलने वाली है। आपके कोई मैटरनल ट्रेट में से, मौसी से या फिर नानी से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। आपके रुके हुए सारे काम कंप्लीशन के वर्ज पे हैं। नवंबर में और अच्छे स्पीड से बढ़ेंगे आपके फाइनेंस से रिलेटेड काम जो पास्ट में रुके हुए थे। फॉर एग्जांपल आपका लोन रिटर्न नहीं हो रहा था तो आपका लोन रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे अमाउंट्स आप रिटर्न कर सकेंगे नवंबर मंथ में। और जो भी पेंडिंग आपके मे बी ईएमआईस थे या पेंडिंग आपके हेल्थ इंश्योरेंस या कोई भी आपके पेंडिंग बिल्स थे वो आप इजीली नवंबर में पे कर सकेंगे। और बेसिकली आपको एक फीमेल से हेल्प मिलने वाली है, नानी के घर से हेल्प मिलने वाली है और आप हार्डवर्क बहुत करने वाले हैं जिससे आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो पॉजिटिव होने वाला है। आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है कि पास्ट में जो भी क्लैशेस चल रहे थे आपके लाइफ में वो सारे खत्म हो जाएंगे। सूर्य जब आते हैं तो पास्ट का पूरा अंधकार जो है वो खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर दिखाता है कि पास्ट में मे बी आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे थे या आप आपके पार्टनर से कुछ छुपा रहे थे, मे बी आपका एंगेजमेंट हो गया था और कुछ डाउट की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा था या मे बी यू आर इन रिलेशनशिप और यू बोथ वर डाउटिंग ईच अदर और कुछ दिनों से आपके मन आपके दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़े हुए थे, दूरियां बड़ी हुई थी। तो नवंबर मंथ में आपका जो एक ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर वो फिर से बनेगा। आप दोनों जो एक दूसरे के बारे में बुराई कर रहे थे वो अब आप नहीं करेंगे, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और बहुत रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की भावनाओं को और एक दूसरे का जो है रिस्पेक्ट भी आप करेंगे। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए आप थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं और जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। आपके मैरिज में जो डिले हो रहे थे वो भी अब नहीं होंगे, नवंबर में बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके एंगेजमेंट होने के। और यहाँ पर दिखाता है कि चैरिटी करने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। आपको अगर लेग्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में या आपके घर के मेल्स जो हैं वो बीमार रहते हैं तो उनके लिए आपको चैरिटी जरूर करना है। स्पेशली आपको सैटरडे के दिन काले उड़द की दाल, सरसों का तेल और नमक, ये तीन चीजें आपको हनुमान मंदिर में डोनेट करनी होती हैं। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, कोई घर पे ऐसा पेशेंट है जो आईसीयू में है और डेथ बेड पे पड़ा है तो उनके वजन के बराबर अगर आप चीजें डोनेट करते हैं तो इससे भी आपके जो कष्ट है वो कम हो जाते हैं।
एक फ्रेश बिगनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, एक इमोशनल पीस आपको मिलने वाला है जो आपके हेल्थ को अच्छा करेगा, बट कंडीशन ये है कि पहले आपको चैरिटी करना है। आपके हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम रखने के लिए चैरिटी बहुत जरूरी है। आप ओल्ड लोगों को, वृद्ध आश्रम जा सकते हैं, वहां पर भी आप डोनेशंस कर सकते हैं और वहां पर भी आप वृद्ध लोगों को खाना खिलाएं, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें, इससे भी आपकी जो स्ट्रेस है वो कम हो सकती है। और आपके जो दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं या कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है, तो वो भी वृद्ध लोगों की सेवा करने से, आसपास में भी जो वृद्ध लोग हैं उनको आप जरूरत की चीजें लाकर देते हो या उनकी आप सेवा करते हो, तो इससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर है कि आपका नेचर खुद ब खुद बहुत शांत हो गया है पहले से। आप एक राइट डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं, आप कुछ न कुछ आध्यात्मिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट कुड बी रेकी, इट कुड बी मेडिटेशंस, और जिससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा है और आप अपने आप को पीसफुल रख सक रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर आप शांत हैं तो मीनिंग आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, अगर आप डिस्टर्ब हैं, वरिड हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो रुक गई है और आपको उसके ऊपर बहुत सीरियस कुछ काम करने की इच्छा है। यहाँ पर दिखा की नेसेसिटी है सॉरी, और यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो राइट डिसीशंस ले रहे हैं आपके आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। मैं नेक्स्ट कार्ड निकाली हूँ एंजल कार्ड आपके करियर के लिए। सो करियर के लिए हमें बहुत ही अच्छा कार्ड आया है श्री झूलेलाल देवता का, जो सिंधीज के इष्ट देवता है। उनका कहना है कि अगर आप नदी के प्राणियों की अगर आप सेवा करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, फ्राइडे या सैटरडे के दिन आपको 100 आटे की गोलियां बनानी रहती हैं और वो गोलियां आपको नदी में डालनी होती है शाम के समय। जब वो प्राणी उस आटे को खाते हैं, उस खाने को खाते हैं, तो उनकी दुआएं आपके लिए काम करती हैं और आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट आपके फाइनेंस के लिए एंजल कार्ड, डिवाइन कार्ड क्या है आपके फाइनेंस के लिए। यहाँ पर दिखाया कि ऑलरेडी आपका फाइनेंस बहुत पॉजिटिव होने वाला है और यहाँ पर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है श्री स्वामी समर्थ जी के, और वो उनका मैसेज है कि व्हेन यू नी डाउन टू गॉड ही स्टैंड्स अप फॉर यू एंड व्हेन ही स्टैंड्स अप फॉर यू नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। जब आप उनको सरेंडर कर देते हैं तो आपके वो आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जब वो आपके साथ खड़े हैं तब आपके सामने किसी के रुकने की हिम्मत नहीं होती है। तो एडवाइस आपको ये है कि पैसे के मामलों में आप श्री स्वामी समर्थ जी को समर्पित करें, अपने आप को, अपने सारे वरीज उनको दे दें, उनकी वर्शिप करें, उनका जो टेम्पल है अक्कलकोट वहां पर जरूर विजिट करें और आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगे, आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व जरूर होगा। उनका एक फोटो लेकर भी आप डेली घर पर भी उनको वर्शिप करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलते हैं। ये बहुत ही डिवाइन सोल्स होते हैं और ये किसी का दुख देख नहीं सकते हैं, द मोमेंट आप इनको याद करो वो आपको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए मैं कार्ड निकाली हूँ, यहाँ पर आया है फॉरगिव द पर्सन हु हैज कमिटेड रॉन्ग एंड दस एलिमिनेट योर एंगर। यहाँ पर हमें सेम मैसेज मिला था टैरो से कि आपको कुछ डाउट था आपके पार्टनर के ऊपर, आपको कुछ गुस्सा था पार्टनर के ऊपर, लेकिन नवंबर मंथ वो पूरा अंधकार दूर करने वाला है। और यहाँ पर हमें जो मैसेज आया है निजामुद्दीन जी का मैसेज है कि फॉरगिव द पर्सन हु हैज कमिटेड अ रॉन्ग। जिसने भी कुछ बुरा किया है वो सब कोई भी डेलिबरेटली नहीं करता है, कोई भी किसी से कुछ मिस्टेक होती है तो वो इंटेंशनली नहीं करता है, वो मिस्टेक हो जाती है और हम उसका रीजन पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों का आज तक कुछ आंसर नहीं है। तो अगर आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है तो वो मिस्टेक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। यू हैव टू एलिमिनेट योर एंगर एंड यू हैव टू फॉरगिव द पर्सन। जैसे माँ अपने बच्चे को माफ कर देती है, क्यों? क्योंकि वो बच्चे से प्यार करती है। वैसे ही अगर आप आपके पार्टनर से सचमुच प्यार करते हैं तो आप उनकी मिस्टेक्स को फॉरगिव करेंगे, आप उनकी मिस्टेक्स को उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके
हेल्थ के लिए यहाँ पर आया था कि चैरिटी करने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. सो यहाँ पर यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज. कभी भी नहीं सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं चैरिटी कैसे करूं. गुरु नानक जी के पास एक बार कुछ लोग गए थे और वो कह रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं. तो गुरु नानक जी ने उनको कहा था कि आप थोड़ी सी चैरिटी करो. वो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम चैरिटी करें. तो गुरु उनको कहते हैं कि आप कितने चपाती पूरे दिन में खाते हो. वो कहते हैं हम दो चपाती खाते हैं. आज से आप एक चपाती आप निकाल कर रख देंगे और डेली वो एक चपाती आप किसी गरीब को या किसी गुरुद्वारे में या किसी को डोनेट कर देंगे. जैसे ही आप वो डोनेट करेंगे आपके घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी. तो हमें भगवान ने जितना दिया है उसका कुछ पार्ट हमें डोनेट जरूर करना है. बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि हमारे पास कम है हम कैसे डोनेट करें. एक दाने को भी डोनेट करने का महत्व बताया है. किसी ने कहा कि हम खाते ही एक चपाती हैं तो हम डोनेट कैसे करें. तो गुरुजी कहते हैं आधा चपाती डोनेट करो. किसी ने कहा हम खाते ही आधा चपाती है हम कैसे डोनेट करें. 1/4 आप डोनेट करो. तो अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो एक 1/4 चपाती का भी असर हमें मिलने वाला है, इफेक्ट हमें मिलने वाला है. तो आपको भगवान को डोनेट जरूर करना है. अपने से जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं उनको आपको डोनेट जरूर करना है. और जब हम देते हैं, जो भी आप दान करते हैं वो सीड्स का काम करते हैं, वो बीज का काम करते हैं. तो उसका फल आप ही को मिलता है. और बेस्ट पार्ट है कि उसका फल आप ही को और आपके पूरे परिवार को मिलता है. तो पूरे फैमिली में अगर एक पर्सन भी डोनेशंस कर रहे होते हैं तो उसका फल जो है वो आप सबको मिलता है. कभी कभी हमें दिखता नहीं है कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं पर हम ब्लेसिंग्स काउंट कर सकते हैं. गॉड आपके पैसे बचाते हैं. आपके पैसे जो हॉस्पिटल में खर्च होने वाले हैं वो नहीं हुए. आपके पैसे जो पुलिस में खर्च होने वाले थे या एक्सीडेंट में खर्च होने वाले थे या आपके पैसे कोर्ट कचहरी में खर्च होने वाले थे वो पैसे भगवान ने आपके बचाए हैं. तो ये भी एक बेनिफिट ही है, ये भी एक प्रॉफिट ही है. पैसे गए नहीं, आपको आते हुए नहीं दिखे लेकिन गए नहीं, ये भी एक फायदा है. तो ये भी एक, ये भी पॉसिबल है चैरिटी से. आप जब चैरिटी करते हैं तो जिनको भी आपने चैरिटी दिया है उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके लिए काम करते हैं. एक बार एक गरीब किसान होता है और बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है. तो दो एक चिड़ा और चिड़िया वहां पर रहते थे पेड़ पर. वो देखते हैं इस फार्मर को कि ये पूरी दिन मेहनत कर रहा है लेकिन इसको उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए. तो दोनों मिलकर उसके खेत में से एक एक दाना लेकर गुरुद्वारे में छोड़कर आते हैं. उस दिन से उसके घर में बरकत आना स्टार्ट हो जाती है. उस दिन से उसका जो फसल था, उसकी जो फसल थी वो दुगने तिगने भाव में सेल होना स्टार्ट हो जाती है. और जब चिड़ा और चिड़िया जब देखते हैं कि इसके घर में बरकत आ गई है तो खुश होते हैं. लेकिन होता ये है कि थोड़े सालों के बाद, कुछ वर्ष के बाद, जब उसके पास बहुत पैसा आ जाता है तो अपनी झोपड़ी तोड़ देता है. फार्मर किसान उस पेड़ को भी तोड़ देता है वहां पर चिड़ा और चिड़िया रहते थे. अब उनको बहुत गुस्सा आता है तो अब वो रिवर्स करना चालू करते हैं. वो गुरुद्वारे से एक एक दाना लेकर इसके घर में डालते हैं. और इसके घर से चैरिटी गुरुद्वारे में जाना बंद हो गई थी और वो फिर से गरीब हो जाता है. तो इस कहानी से हम क्या सीख रहे हैं कि एक दाना भी डोनेट करने से हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है. लेकिन कभी भी हमको किसी से कुछ डोनेशन में नहीं लेना चाहिए. इससे हम हमारे ग्रह खराब करते हैं, सामने वाले के ग्रह अच्छे हो जाते हैं और हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं. स्पेशली मंदिरों से, क्योंकि मंदिर में वो लोग दान देकर आते हैं जिनके मन में कुछ इच्छा है और वो अपना पेट काटकर कुछ वहां पर देकर आते हैं मंदिर में. और अगर वही चीज लोग अपने घर लेकर आते हैं तो उसमें उनकी बहुत सी एनर्जीज होती हैं, बहुत ही डेस्परेट एनर्जीज होती हैं जो आप अपने घर पर लेकर आते हो और आपकी नेगेटिविटी वहीं से स्टार्ट होती है. तो बहुत केयरफुल होना चाहिए हमें. जब हम मंदिर से कुछ प्रसाद भी लेकर आते हैं तो उसके बदले में हमें
थोड़े से पैसे मंदिर में जरूर डाल कर आने हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, यहाँ पर आया है कि आप राइट डिसीजंस ले रहे हैं और आप बहुत पीसफुल हैं, आप हार्मनी में हैं। वो स्टोरीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोग चैरिटी को बहुत बड़ा इश्यू बनाते हैं, जबकि चैरिटी ही बीज है आपके प्रॉस्पेरिटी का। और मदर कामधेनु रिमूव्स द डिस्ट्रेसफुल होम एटमॉस्फेयर एंड वेलकम्स वेल्थ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपने सही डिसीजंस लिए हैं आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, इसलिए मदर कामधेनु का कार्ड आया है कि वो आपके पास आपका होम एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा करने वाली है, आपको वेल्थ देने वाली है, पीस देने वाली है और प्रॉस्पेरिटी देने वाली है। सो आई होप यू ऑल विल लाइक दिस रीडिंग। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।